गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट डेडिकेटेड टू ऑल आरपीएससी मैथ्स एस्पिरेंट्स। देखिए स्टूडेंट, कल जो हमने शुरू की थी नई सीरीज, जिसमें कि हमने कल आपको एरिया अंडर कर्व यानी कि क्वाड्रेचर के आईएमपी क्वेश्चन विथ शॉर्ट ट्रिक करवाए थे स्टूडेंट, तो उसी सीरीज में स्टूडेंट आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं स्टूडेंट, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। 0 से π/2 साइन एन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, या फिर या तो ये हो या फिर ये हो। 0 से π/2 कॉस एन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एन एक्स कॉस एन एक्स। यहाँ स्टूडेंट एन की जगह पर कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि भाई 0 से π/2 कॉस 3/2 x डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x, या फिर ये लिखाओ। स्टूडेंट ये सभी आपस में बराबर है, इनमें से कोई भी एक हो, 0 से π/2 डी एक्स बटा 1 प्लस tan x हो, या फिर 0 से π/2 डी एक्स बटा 1 प्लस tan px। स्टूडेंट पी की जगह कुछ भी हो सकता है, पी कैन बी एनी नंबर, ठीक है, पी कैन बी स्टूडेंट एनी नंबर। या फिर 0 से π/2 सेक ऑफ एन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई सेक ऑफ एन एक्स प्लस कॉसेक ऑफ एन एक्स। स्टूडेंट इनमें से कोई भी कंडीशनल स्टूडेंट हो, आपका आंसर ऑलवेज कम्स π/4। स्टूडेंट आपका उत्तर हमेशा π/4 ही आएगा। देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको ये पहचानेगा कैसे स्टूडेंट, आप इसको पहचानेंगे कैसे स्टूडेंट, इसको पता है आपको किसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है कि भाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। मतलब कि आप पहचानेंगे कैसे, खास चीज स्टूडेंट आपको पहचान करनी, डिनोमिनेटर में अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, ये आपका ए हो गया स्टूडेंट और ये आपका हो गया बी, मतलब ये आपकी लोअर लिमिट हो जाती है और ये अपर आपकी अपर लिमिट हो जाती है। अगर मैं उसको ए प्लस बी माइनस एक्स करने पर स्टूडेंट अगर मेरा डिनोमिनेटर अनचेंज रहता है, अनचेंज, ठीक है, तो आप ये वाला तरीका काम में लगा सकते हो। अगर आपका चेंज हो जाता है स्टूडेंट तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ आपको आगे जाकर के ऐड करना पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो आप लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में स्टूडेंट, उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप इसको आराम से पहचान सकते हैं। लोअर लिमिट ऑलवेज विल बी 0 और अपर लिमिट स्टूडेंट π/2 है। इनमें से कोई भी सिनेरियो आपको नजर आएगा स्टूडेंट, आपको हल करने की जरूरत नहीं है और आप फटाक से आंसर π/4 रख सकते हैं। इसका बेसिक वही है, क्योंकि यहाँ मैं अगर टेन एक्स को सॉल्व करूंगा स्टूडेंट तो क्या लिख पाऊंगा, साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिख दूंगा, कॉस एक्स उठ करके स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो इसी कैटेगरी का बन जाएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि जो सेक सेक ऑफ एन एक्स है उसको भी आप 1/cos nx लिखेंगे, कॉसेक एन एक्स को भी स्टूडेंट आप 1/sin nx लिखेंगे, जो इसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली हमको या तो ये वाली मिलेगी क्वेश्चन या ये वाला मिलेगा सॉल्व करने के बाद में। तो स्टूडेंट आप उसको पहचान ले अच्छे से, उसका आंसर जो है वो हमेशा स्टूडेंट π/4 ही आने वाला है। बहुत ही एक शानदार शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से याद रख लें, इस पर क्वेश्चन आ भी जाता है, बहुत सरल सी है। चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं, नंबर 2। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है कि भाई 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, लॉग इसका आंसर वही होता है जो 0 से π/2 स्टूडेंट लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का होता है। स्टूडेंट आपको पता है कि इन दोनों का आंसर क्या होता है भाई, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि स्टूडेंट, या तो आपको मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा -π/2 log 2, या स्टूडेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर अक्सर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, +π/2 log of 1/2, ठीक है। तो आप जब भी आप चीज़ों को याद करते हैं स्टूडेंट, तब आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। यहाँ थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट कि भाई ये तो याद करके चले जाते हैं और वो ये याद कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या जाता है भाई कि -π/2 log 1/2, और वहीं वो गलत कर देता है स्टूडेंट। तो या तो ये सही है या फिर ये सही है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिए, याद करने का मतलब एक नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही सब पेन चलाए नहीं और समझे नहीं चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट कि भाई 0 से π/2, अब हम बात कर रहे हैं लॉग सेक की और कॉसेक की,
लॉग सेक एक्स डी एक्स का भी स्टूडेंट आंसर वही होता है। अगर आप जानते हैं स्टूडेंट कि इन क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा कितना समय कंज्यूम होगा स्टूडेंट, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ आपका कोई समय नहीं लग रहा है, आपको केवल चीज़ों को याद करना क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सेक और कोसेक के अंदर पाई बाय टू लॉग टू है लेकिन प्लस के साथ में है, साइन और कॉस में स्टूडेंट पाई बाय टू लॉग टू है लेकिन वो माइनस के साथ में, बस इसको आप आराम से अपनी तरफ से कुछ इस प्रकार के एडजस्टमेंट करके याद रख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है, हमारा बच गया है टेन और कॉट, तो वो भी लिख लेते हैं भाई कि लॉग ऑफ टेन एक्स डी एक्स और स्टूडेंट जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो भाई ये कितना आएगा? तो स्टूडेंट देखिए इसका आंसर भी जीरो है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे भले वो आईआईटी जेई हो एनडीए हो कैसा भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भाई जीरो से पाई बाय टू लॉग टेन एक्स डी एक्स, तो आपको कोई प्रॉपर्टी फोर याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यूज करते हैं या डायरेक्ट गुला लगाते हैं स्टूडेंट, उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, कॉन्फिडेंस स्टूडेंट आपका बढ़ता ही है, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, है ना, कि आप बहुत से क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं लेकिन अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए, आंखें मूंद करके डायरेक्ट नहीं लगाएं। तो अब आ जाइए ट्रिक नंबर थर्ड पर, तीसरी ट्रिक पर, देखिए स्टूडेंट ये है कि भाई जीरो टू पी और अंडर रूट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट, ये पी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपने बुक के अंदर देखे होंगे स्टूडेंट, इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख दोगे पी पाई अपॉन टू। देखिए इसका हम अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, तो देखिए जीरो टू वन अंडर रूट में एक्स वन माइनस एक्स डी एक्स, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे पी का वैल्यू कितना है, वन है, बट ध्यान क्या रखना है यहाँ जो पावर जो आ रही है इसकी अपर लिमिट वही वो यहाँ पर है, दोनों सेम होने चाहिए भाई, तो आंसर हमारा आ जाएगा पाई बाय टू, कुछ भी नहीं किया हमने, कोई मेहनत नहीं की। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल, ये फेमस एग्जांपल है और ये आया भी हुआ है, दूसरा वाला मैं तो लिख रहा हूँ, देखिए जीरो से थ्री और एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एक्स डी एक्स, तो स्टूडेंट आपका आंसर जो है मुझे लगता है कि दो सेकंड में आ जाएगा, है ना, देखिए स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी थ्री पाई अपॉन टू, बस ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने कोई मेहनत नहीं की हमने, लेकिन आपको ये ट्रिक अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए इसी के पैरेलल दूसरी ट्रिक है स्टूडेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा वो है कि भाई जीरो टू पी, जीरो टू पी स्टूडेंट ये जो ट्रिक है वो आपके एक्स क्यूब के लिए एप्लीकेबल है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो तो स्टूडेंट पी माइनस एक्स पहले भी था और अभी भी पी माइनस एक्स ही है, लेकिन ऊपर केवल एक्स था और यहाँ स्टूडेंट अब एक्स क्यूब आ गया, तो देखिए स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको थ्री पाए पी स्क्वायर बाई एट आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल ले लो जीरो से थ्री और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एक्स डी एक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट लोअर लिमिट क्या है, जीरो, अपर लिमिट स्टूडेंट मुझे कितना दिया हुआ है तीन, उसमें देखिए अंडर रूट में एक्स क्यूब थ्री माइनस एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा थ्री पाई बाई एट तो है ही स्टूडेंट, अब देखिए पी की जगह पे कितना तीन दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा पी स्क्वायर मतलब नाइन, तो उसमें हमारा फाइनल आंसर है 27 पाई अपॉन एट। अब देखिए स्टूडेंट आपको कितना समय बचा है, एक बार आप चाहें तो उसका जो लंबा मेथड है कि भाई मैं यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू पुट कर दूँ उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करूँ स्टूडेंट, और एक बार उसको आप डायरेक्ट सॉल्व करें आप देखेंगे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय का अंतर आपको मालूम चलेगा दोनों ही तरीकों के अंदर। अब आ जाइए स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर, जो नेक्स्ट ट्रिक है स्टूडेंट वो भी बहुत शानदार है, मैं आपको वही ट्रिक बता रहा हूँ जिन पर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, है ना, ट्रिक तो बहुत सारी हैं लेकिन वही जो आपके लिए यूजफुल है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट डी एक्स, ये भी स्टूडेंट बहुत ही शानदार ट्रिक है कि भाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट देखिए हमको ट्रिक क्या लिखी हुई है स्टूडेंट, ए स्क्वायर, तो देखिए स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई अपॉन टू ए बी, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स भी लिखा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनली तो यहाँ पर प्रोडक्ट ही होने वाला है। देखिए इसका एग्जांपल स्टूडेंट हम लिख लेते हैं, इसका एग्जांपल है, विशेष आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं है और लिमिट जो है ना वो जीरो से पाई बाय टू जा रही है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, तो आप भाई ए और बी के चक्कर में पड़े नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
एक ही जगह पर स्टूडेंट आप कितना भी रख सकते हैं स्टूडेंट, एक ही जगह पर मैं यहाँ रूट थ्री रख दूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और स्टूडेंट और बी की जगह पर कितना देख रहे हैं आप, वन देख रहे हैं, तो स्टूडेंट मेरा तो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी पाई अपॉन टू रूट थ्री। देखिए कितना सिंपल सा काम है। देखिए क्वेश्चन दूसरा हम ले लेते हैं इसके साथ साथ, कि भाई क्वेश्चन दूसरा हमारे पास में ये फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट, आया हुआ क्वेश्चन है ये कि भाई डी एक्स बटा नाइन, डी एक्स बटा स्टूडेंट नाइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। चलिए स्टूडेंट अगर हम इसमें कंपेयर करके निकाल लें तो भाई बी की वैल्यू मेरे को 3 आ रही है स्टूडेंट और ए की वैल्यू मेरे को 4 आ रही है, तो फाइनली हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो देखिए कितना आएगा स्टूडेंट, 2 × 3 × 4। ठीक है, देखिए हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाएगा भाई पाई अपॉन 24। देखिए कितनी शानदार शॉर्ट ट्रिक थी स्टूडेंट, और ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है और एग्जाम में स्टूडेंट इस पर बेस्ट क्वेश्चन कई बार आता भी रहता है, तो इसलिए इसको भी आप अच्छे से यूज में लाएंगे। चलिए आ जाइए हम नेक्स्ट ट्रिक, नंबर 5 ट्रिक स्टूडेंट। देखिए कई बार स्टूडेंट आपको ऐसे भी क्वेश्चन नजर आ जाएंगे कि भाई ए टू बी जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टूडेंट है एफ एक्स प्लस स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा कि आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का सम करके और एक्स को सब्ट्रैक्ट किया होगा, मतलब ये जो फंक्शन की जो वैल्यू है स्टूडेंट अंदर उसी को सब्ट्रैक्शन होगा। तो स्टूडेंट ऐसा अगर आप पकड़ पाए तो स्टूडेंट आराम से इसका आंसर आप लिख देंगे दैट इज द बी माइनस ऑफ ए बाई टू। अब देखिए स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि पहचानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक बार स्टूडेंट 2012 आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है ना, आपको वही ट्रिक बता रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। देखिए ये ट्रिक तो बहुत सारी हैं जो आपने अलग अलग एग्जाम में स्टूडेंट बहुत सारी ट्रिक्स आपने देख रखी होंगी है ना, लेकिन हम डिस्कस सब पे नहीं करेंगे, उन्हीं पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जिन पर क्वेश्चन बना हुआ। देखिए भाई ये है क्वेश्चन 0 से π/2 φ(x), ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देख लिया होगा अंदर कि डिवाइडेड बाय, इसी ट्रिक पे बेस्ट क्वेश्चन है ये φ(x) + φ π/2 − x। अब देखिए स्टूडेंट आपने अगर पहचान लिया कि भाई ये ट्रिक दिख रही है मेरे को φ(x) अगेन आ रहा है प्लस फाइव 0 + π/2 मतलब π/2, इसमें से मैंने x को सेपरेट कर दिया तो भाई मेरा a तो आ गया 0 और स्टूडेंट मेरा b आ गया π/2, तो मैं यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई कर सकता हूँ। पहले आप इसका बेसिक चीज समझ लीजिए आराम से, तो उसमें देखिए कितना हो जाएगा π/2 − 0 / 2, तो उसमें देखिए मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज द π/4। अब देखिए उसमें मुझे कितना समय लगा, ना के बराबर उसमें मेरे को समय लगा है। अब आ जाइए इसी पर एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 1 × √x dx, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट नीचे है √x + √3 − अब आप स्टूडेंट्स को पहचान लें आराम से, ये मेरा एफ एक्स है अगेन रिपीटेड है प्लस 1 + 2 = 3 − x कर दिया मैंने, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दैट माय वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट आप फटाफट घटा दीजिए b − a/2। स्टूडेंट देखिए मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट इसमें आपको 5 या 10 सेकंड से आपको ज़्यादा समय लग रहा है, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लग रहा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये कुछ शानदार शॉर्ट ट्रिक्स थी जिनकी आप यूज में ला करके और आपके डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ओके थैंक्स, धन्यवाद।